वेलकम टू अरहम्स किचन। मैं हूँ अरहम और आज हम लोग बनाने वाले हैं सूजी पिज्जा। ये बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और इजी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सूजी पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, आधा कप दही, चिली फ्लेक्स, टमेटो केचप, अनियन, कॉर्न, कैप्सिकम, चिली सॉस और ओरिगेनो और टमेटोज और चीज। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में डाल लेंगे सूजी। इसमें जाएगा सॉल्ट, अब हम इसमें डालेंगे दही और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम और एक बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे तैयार हो गया है हमारा बैटर, अब हम इसे 10 मिनट तक रेस्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ एक बोल में हम बना लेंगे अपना पिज्जा सॉस। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टमेटो केचप, इसमें जाएगा चिली सॉस, इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट यहां तैयार हो गया हमारा पिज्जा सॉस। अब हम 10 मिनट के बाद बना लेंगे अपना पिज्जा। 10 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा इनो और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ तैयार हो गया हमारा बैटर, अब हम बनाते हैं अपना पिज्जा। अब हम एक गर्म पैन में ब्रश कर लेंगे ऑलिव ऑयल। और हम डाल लेंगे अपना बैटर। अब हमें इसे एक साइड से कुक करना है। एक साइड से तैयार हो गया हमारा पिज्जा, हम इसे फ्लिप कर लेंगे। अब हम फ्लिप तरफ डालेंगे अपना पिज्जा सॉस। अब इसके ऊपर जाएगा कैप्सिकम, अनियन, रेड कैप्सिकम जाएगा, मोजरेला चीज, इसके ऊपर डालेंगे हर्ब्स, चिली फ्लेक्स और इसको हम कवर कर लेंगे और चीज को मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे सिक चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम इसे काट लेंगे। यहाँ तैयार हो गया हमारा घर पे बना हुआ सूजी पिज्जा, जो कि बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी है। ये आप बनाएं और लॉकडाउन में इसके मजे लें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।